नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके एकमात्र भरोसेमंद सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, चुनावों से पूर्व बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है और वो है वन रैंक वन पेंशन के ऊपर, यानी कि सरकार ने पूर्ण ओआरओपी की तरफ एक कदम बढ़ाया है और उसके संदर्भ में सर्कुलर भी जारी कर दिया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में विस्तार से कि इसका किस किस को होगा फायदा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, वन रैंक वन पेंशन के ऊपर पीसीडीए इलाहाबाद की तरफ से 3 अप्रैल 2019 को ये सर्कुलर नंबर 622 जारी किया गया है वन रैंक वन पेंशन इम्प्लीमेंटेशन के संदर्भ में। दोस्तों, ये जो ओआरओपी का रिविजन हो रहा है इसका आधार सर्कुलर नंबर 555 ही है, जिसमें सशस्त्र बलों की जो पेंशन का रिविजन हुआ था 1 जुलाई 2014 से और जिसकी जो टेबल थी वो टेबल इसके साथ अटैच की गई है, उसी को कंटिन्यूएशन करते हुए इसमें बताया गया है कि ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, स्पेशल फैमिली पेंशन, सेकेंड लाइफ अवार्ड ऑफ स्पेशल फैमिली पेंशन, लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन और सेकेंड लाइफ अवार्ड ऑफ लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन, डिसेबिलिटी अब्लिक लिबरलाइज्ड डिसेबिलिटी एलिमेंट फॉर 100% डिसेबिलिटी, वार इंजरी एलिमेंट फॉर 100% डिसेबिलिटी, मिंट फॉर पोस्ट 1953 रिटायरीज जेश्योर वार्स ऑफ रेगुलर आर्मी ऑफ ग्रुप वाई मे बी अलाउड टू फैमिलीज ऑफ प्री 1953 रिटायरीज अंडर ओआरओपी स्कीम। यानी कि कुल मिला के 1953 से पहले के जो रिटायरी हैं, अब उनको भी इसमें शामिल किया गया है। हालांकि उस समय के रिटायरी अब ना के बराबर बच्चे होंगे, इसका कोई इतना ज्यादा असर होने वाला नहीं, लेकिन जिसको भी होगा, जो सर्वाइवल है या उनके फैमिली मेंबर सर्वाइवल हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है और ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। दूसरा दोस्तों, आगे इसमें बताया कि इन केस अगर किसी का डेटा पेंशन डिस्पर्सिंग एजेंसी के पास अवेलेबल नहीं है तो उस केस को रेफर किया जाएगा पीसीडीए इलाहाबाद की तरफ और उनसे उनके लिए कोरिजेंडम पीपीओ जारी करवाया जाएगा। अब दोस्तों, ओआरओपी का जब दायरा बढ़ाया गया है तो इस संदर्भ में सर्कुलर नंबर 591 को, जो कि 13 नवंबर 2017 को जारी किया गया था, उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस तरह से ओआरओपी के संदर्भ में जो प्री 1953 पेंशनर्स हैं, चाहे डिफेंस पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स, उन सब के लिए वन रैंक वन पेंशन का दायरा बढ़ाया गया है। दोस्तों तो दोस्तों आपसे पर्सनल अनुरोध है कि उस समय सोशल मीडिया का इतना प्रचलन नहीं होता था, जो भी हमारे वेटर्न्स दिग्गज अभी इस कैटेगरी में बचे हुए हैं, ये खबर उन तक पहुंचनी चाहिए ताकि वो इसका फायदा उठा सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।